साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएएस की। आरएएस मींस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके अंदर एसडीएम या इस टाइप के जो अधिकारी बनते हैं जो सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां जो हमारा टॉपिक है वो आर्ट या जो सिविल सर्विस वाला आरएएस है उससे हटके जो ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उस आरएएस की हम बात कर रहे हैं। उसका जो नाम है वो क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्या है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? हमारा जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ पार्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जैसे मेडुला ऑब्लॉगेटा है, पॉन्स है, मिड ब्रेन है, तो ये सारे के सारे अलग अलग पार्ट है। लेकिन वहीं एक पार्ट ऐसा है जिसके अंदर व्हाइट मैटर और जो ग्रे मैटर है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो थ्रेड होते हैं, जो वॉलीबॉल का अपना नेट है, उसी टाइप से यहां पे मिले होते हैं। ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है? ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज होती है, और जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर क्या है? एक्सोन पार्ट है। कोई भी जो न्यूरॉन वाली सेल है उसके अंदर एक तो सेल बॉडी होती है, दूसरा शाफ्ट लाइक जो पार्ट है वो एक्सोन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलके एक मैस या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। और इस रेटिकुलर फॉर्मेशन के फिर दो पार्ट होते हैं, पहला होता है असेंडिंग या सेंसरी पार्ट जो है, और दूसरा होता है डिसेंडिंग और मोटर जो है। तो असेंडिंग या सेंसरी का मींस जो सेंसेशन लेके आने का काम करता है, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आरएएस, जिसका हम पूरा डिस्कशन आज करेंगे। और दूसरा है डिसेंडिंग या मोटर, मींस जो एफरेंट नर्व निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग पार्ट। ये किसके ऊपर स्प्रेड होता है? सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड की साइड। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मसल टोन, यहां पे बड़े डिजिट में रेड जोन में लिखा है। और इसके साथ साथ ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और बीपी को रेगुलेट करने में। अपना जो मेन टॉपिक है वो है आरएएस। तो आरएएस जो होता है उसके जो न्यूरॉन सेल है वो पूरे वाइड स्प्रेड होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर, एक तो डायरेक्टली और दूसरा थैलेमस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि ये तो इसकी एनाटॉमी थी, अब बात करते हैं इसके जो फंक्शन है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेड सर्ज के अंदर या अप्लाइड या क्लिनिकल बेस के। तो आरएएस जो सिस्टम है वो कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करता है, मींस हम कितने कॉन्शियस है वो ये डिसाइड, हमारा आरएएस डिसाइड करता है। और नॉर्मली जो हम आरएएस अधिकारी वाली बात कर रहे थे उसमें जो पर्सन जितना ज्यादा अलर्ट, जितना ज्यादा अटेंटिव, अटेंशन जिसका ज्यादा होता है और जितना ज्यादा कॉन्शियस होता है, अपने आसपास की चीजों के प्रति अवेयर होता है, वो उतने ही मल्टीपल सोर्स से क्या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसका जो मेमोरी स्पेस है वो उन चीजों से ज्यादा होता है, और उसमें वो सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करके आरएएस बनता है। तो यहां पे लगभग ये दोनों चीज सिमिलर है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है उसमें क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मेन पार्ट है, इसके साथ साथ वो अटेंशन और अलर्टनेस को भी कंट्रोल करता है। अब इन चीजों को, आरएएस सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है, मींस जो कॉन्शियसनेस है उनके लिए, तो कुछ स्टिमुलाई या रिसेप्टर होते हैं जो इस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे वीएमए और टीपीपी। वीएमए हमने एक जगह और पढ़ा है नर्सिंग के अंदर, वेनेलिल मेंडेलिक एसिड, जो फियोक्रोमोसाइटोमा का टेस्ट करवाते हैं हम, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग अलग है। तो इसके अंदर वी फॉर विजुअल स्टिमुलाई, कोई चीजें हम देखते हैं, जैसे सामने फायर है तो इमीडिएटली हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, उसको हम आग बुझाने के लिए जाना है या कोई भी कॉल करना है उस टाइप से। दूसरा जो है मेंटल एक्टिविटी, और थर्ड जो ए का मीनिंग है वो है ऑडिटरी जो स्टिमुलाई है, कोई भी साउंड आता है, जैसे आप सो रहे हो नींद के अंदर, सडनली आपके पास कोई जोर से गेट नॉक करता है या कोई चीज गिरती है, जैसे कोई कांच की चीज गिर के टूटेगी तो उसमें जो साउंड होता है उससे आप सडनली जाग जाते हो, तो वो आपका आरएएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद टीपीपी, टच पेन और जो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, तो अगर आप सो रहे हो आपको कोई पिन प्रिक करता है या निडल प्रिक करता है तो इमीडिएटली आप जाग जाते हो, कोई भी पर्सन टच करता है आपको नींद से उठाने के लिए तो उस वक्त भी आपका आरएएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आरएएस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले फैक्टर है या स्टिमुला या रिसेप्टर है। अब हम बात करते हैं कि आरएएस सिस्टम स्टिमुलेट तो हो गया, वर्किंग में है, इनएक्टिवेट कैसे होता है? जब आप सो रहे होते हो उस वक्त आपका जो आरएएस है वो इनएक्टिवेट होता है, और अगर आपका आरएएस डैमेज हो जाए तो उस वक्त क्या होता है? पर्सन कोमा में चला जाता है, मींस जो अनकॉन्शियसनेस जो होती है उसके अंदर। अब कौन कौन सी जो चीजें हैं जो पार्शियली इसको अफेक्ट करती है? यहां पे है मेलेटोनिन, जो ड्रग है या हार्मोन रिलीज होता है पर्टिकुलरली जब हम
पूरे रूम में अंधेरा करके सोते हैं या नाइट के टाइम नींद ज्यादा आती है, तो उससे क्या होता है, आरएएस सिस्टम जो है वो डिप्रेस्ड फील करता है, मींस डाउन होता है, और जो स्लीप वो फैक्टर होता है वो प्रमोट करता है। तो मेलेटोनिन क्या करता है, स्लीप को प्रमोट करता है, मींस आरएएस सिस्टम को डाउन या डिक्रीज करता है उसकी स्टिमुलाई को। उसके बाद जीए फोर है जनरल एनेस्थेसिया, जो ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, सर्जरी के लिए, वो क्या करता है, आरएएस को टर्न ऑफ कर देता है। मींस हमारा जो कॉन्शियसनेस है ड्यूरिंग सर्जरी, क्या हुआ था, जो डॉक्टर है वो क्या बात कर रहे थे, ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, उस पर्सन को याद नहीं रहती। एक इवेंट होता है 30 मिनट का, 1 घंटे का या 2 घंटे का, उस दौरान कंप्लीट रूप से उसकी जो मेमोरी स्पेस है वो खाली रहता है। तो आरएएस सिस्टम को क्या कर देता है, जनरल एनेस्थेसिया टर्न ऑफ कर देता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली जो आरएएस और काम क्या करता है, आरएएस प्रिवेंट सेंसरी ओवरलोड। मींस यहां पे एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपका एग्जाम है, आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस का खुद का साउंड है, आसपास की जो सवारियां हैं वो भी आपस में बात कर रही है, और रोड ट्रैफिक के दौरान बार बार जो हॉर्न को ब्लो कर रहा है ड्राइवर, उस कंडीशन में आप बुक पढ़ रहे हो, तो बाकी जितने भी जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, जो भी साउंड आ रहा है वो आपके दिमाग के अंदर एंटर ना हो, वो जो सेंसरी ओवरलोड ना हो, इसलिए आपका आरएएस डायरेक्टली फोकस किस पे करता है, जो आप बुक रीडिंग कर रहे हो, कौन कौन सी चीज उस वक्त जो चीजें वो डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर जाती है, आपको याद रहती है टिल एग्जाम या उससे आगे तक भी याद रहती है। तो जो उस स्टडी के अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको क्या करने का काम करता है, ब्लॉक करता है। तो ये भी एक फंक्शन होता है किसका, आरएएस का। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आरएएस है वो कौन सी चीज से एक्टिवेट नहीं होता पर्टिकुलरली, जो क्लिनिकल सेटिंग में सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन का पॉइंट है, कि हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर फायर अलार्म होते हैं या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो उसके अंदर फायर अलार्म होते हैं, जैसे ही वहां पे कोई आग लगती है या कोई स्मोकिंग करता है, इमीडिएटली वो क्या होता है, फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे जितने भी सेंसरी इनपुट है उन सभी से आरएएस स्टिमुलेट होता है। सिर्फ एक जो ओल्फैक्टरी है, जो सेंस ऑफ स्मेल है, जब हम किसी चीज को सूंघते हैं उस चीज से आरएएस एक्टिवेट नहीं होता। जब आप सो रहे हो, आपके बगल वाले घर में आग लगी हुई और उसकी जो स्मेल है उससे आपकी नींद नहीं खुलेगी, यह सबसे बड़ा यहां पे पॉइंट है आरएएस से रिलेटेड। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं हर सेटअप पे जो फायर अलार्म लगा रहता है, तो उसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं, जैसे ही फायर होती है इमीडिएटली वो उसको कैच करता है, जो उसका पूरा सेटअप बॉक्स होता है, और वो जोर से अलार्म करता है, फुल जो शार्प साउंड होता है उसमें। इसके साथ साथ उसमें मल्टीपल लाइट लगी रहती है, व्हाइट कलर की, रेड कलर की, जिसका फ्लैश जोर से पड़ता है। तो अगर किसी पर्सन की हियरिंग लॉस है, उसको वो जो अलार्म नहीं सुन रहा, तो उसकी आंखों में जोर से जो ब्राइट लाइट पड़ती है, जो फ्लैश पड़ता है, उससे उस पर्सन की नींद खुल जाती है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो जो फायर अलार्म है उसके अंदर जो कलर है, मीन्स नॉर्मल जो व्हाइट लाइट है ट्यूबलाइट की तरह भी हो सकता था, लेकिन उसमें फ्लैश लाइट का क्या मीनिंग है, वो आरएएस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होता है। ये चीज आप नोटिस करना, जब भी आप उस फायर अलार्म को देखो, कोई भी पर्सन अपने हॉस्पिटल में स्मोकिंग करता है तो इमीडिएटली क्या है, वो जोर से साउंड आता है, जो ब्राइट लाइट है वो भी उसमें एक्टिवेट हो जाती है। तो जितने भी सेंसरी इनपुट है उन सभी से आरएएस एक्टिवेट होता है, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन जो होता है, मीन्स सेंस ऑफ जो स्मेल होता है। तो ये आरएएस के रिगार्डिंग था। थैंक यू सो मच।